हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हो गया आपको अपने यूट्यूब चैनल में टीच में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि इस तरह से आप लोग अपनी रील्स के लिए ब्लू टिक्स कैसे लगाएं। इससे वीडियो वायरल बहुत ज़्यादा हद तक हो जाती है, क्योंकि मेरी भी वीडियो वायरल बहुत हुई है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि मेरी वीडियो कितनी वायरल हुई है। तो मैं दोस्तों अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जाता हूँ, वहाँ से आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ कि दोस्तों ये लगाने से कितना फ़ायदा है। तो दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम लिंक में आ गया हूँ, आप लोग दोस्तों देख सकते हो मेरी वीडियो कितना ज़्यादा वायरल हो रही है। देख सकते हो, किसी पे दोस्तों 800-900, किसी पे 1,48,000 व्यूज़ है, किसी पे 7 लाख व्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से किसी पे 1300, 1000, 1100, 1200 इस तरह से व्यूज़ हो जाते हैं। 48,000, 49,000, 26,000, 1,32,000, 41,000, 30,000। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेरी वीडियो वायरल हो रही है। इस पर 96,000 है, किसी पे 3500 है, किसी पे 1,74,000, तो दोस्तों और 99,000, किसी पे 66,000 व्यूज़ आए हैं। इस तरह से वीडियो मेरी वायरल हो रही है। तो आप लोग भी वीडियो अगर वायरल करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह से, तो दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ, वो अप्लाई करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपने मोबाइल के पिक्सल ऐप में। अगर हमें डाउनलोड नहीं तो प्ले स्टोर पर जाने, पिक्सल ऐप लिख देना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पिक्सल ऐप में आने के बाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है, कलर पर जाना है, और कलर यहाँ से दोस्तों कलर पर क्लिक कर देना है, और प्लस वाले पर जाना है। और कलर पे जाने के बाद आपको कलर जो है दोस्तों वाइट ले लेना है। वाइट कलर यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, वाइट कलर कर लेने के बाद ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर लेने के बाद अब दोस्तों सही का निशान कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ए वाले पे क्लिक करके पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिख देना है IG, ये लगा के ऐसा बना के लिख देना है फनी पेज 63, जो भी अपने इंस्टाग्राम का लिंक हो तुम्हारे। ठीक है, जैसे मेरा है फनी पेज 6391, फनी पेज 6391। ठीक है दोस्तों, इतना कर देने के बाद आपको ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपल ऐसे थोड़ा स्क्रॉल करना है, कलर दिखाकर आपको कलर पे जाना है, और इधर इनको कलर सेट कर देना है। जैसे इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ, और इसको लाल कर देता हूँ, इसको पीला कर देता हूँ। ठीक है, और 6391 इस पर कोई दूसरा रंग ला देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला ले लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से कुछ इस तरह से ले लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं ले लिया, दोस्तों इतना कर देने के बाद अब आपको जाना है बैकग्राउंड पे क्लिक करके कुछ इस तरह से कर देना है। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड पे जाने के बाद कुछ इस तरह से करने के बाद मैं तो दूसरा दोस्तों ले लेता हूँ, मेरा बड़ा हो रहा है, ऐसा कर देना। ठीक है, अब फिर दोस्तों आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है, स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको इस तरह से कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट इस पर लेयर पर क्लिक कर देना, लॉक कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप जाना है आपको अपने गूगल पे, वहाँ पे इंस्टाग्राम ब्लू टिक्स सर्च कर लेना है। ठीक है, और वहाँ से ब्लू टिक को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टाग्राम ब्लू टिक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सर्च कर लेना है, आपके सामने इंस्टाग्राम के ब्लू टिक आ जाएंगे। इमेज पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ से एक मैं ब्लू टिक है जो वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा ब्लूटूथ जो है, तो दोस्तों हमने ब्लूटूथ जो है उसको डाउनलोड कर लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, और जो अपने ब्लूटूथ डाउनलोड किया है उसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों इस तरह से क्रॉप कर लेना है, और फिर दोस्तों सही वाले निशान पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब सही लेने इसको कुछ छोटा कर लेना है, जैसे कि हम कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसको इतना छोटा कर लेना है। अब दोस्तों इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, और भी छोटा कर लेना, ऐसे लगा देने के बाद दोस्तों अब आपका जो है ये बनके तैयार हो गया है। अब आपको लेयर पे क्लिक कर देना है, लॉक कर देना है दोनों
अब इसको दोस्तों क्या करना है, एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना कर देने के बाद अब दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का नाम है वीडियो वाटर रिमूवर। ठीक है दोस्तों, वीडियो वाटर रिमूवर दोस्तों ये देखो वीडियो इस ऐप का नाम है, इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब इसको लिखा है एड वाटर मार्क, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो में ये ले लेता हूँ, इस पर मुझे वाटर मार्क लगाना है तो इस पर क्लिक करके अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा है इमेज, दोस्तों इमेज पे क्लिक कर देना है। अभी जो मैंने हमने बनाया है उसको क्लिक कर लेते हैं और दोस्तों उसको यहाँ पे ऐसे कुछ लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है वो लग के तैयार हो गया। अब इसको क्या कर देना है, इसे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस अभी जो तुम्हारा वीडियो है दोस्तों वो बनके तैयार हो गया, मैं आप लोगों को चल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है आप लोग देख सकते हो, वाटरमार्क दोस्तों हमारे में लग चुका है ये ब्लू टिक। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो को बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिस्ट बता देना हमको नीचे कमेंट में। और दोस्तों किस अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट में बता देना, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।